हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने मोर इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो लेकर आया जॉन डियर 5310। तो भाई, इस वीडियो में किसान भाई तो सारी बात पूछा है भाई, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है, सुपर फीटर में डीजल एवरेज कैसा ट्रैक्टर का, और कौन से गियर में चलाना है, कितनी रेस पर चलाना है ट्रैक्टर ने, यह सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर लेवाएँ भाई। और जो सरस्वती कृषि उद्योग वालों का जो सुपर फीटर है, इसकी बारे में पूछें भाई, किस प्रकार का सुपर फीडर है, किसी की बिजाई करे, या सारी जानकारी इस वीडियो में लेवाएं भाई। वीडियो में लास्ट तक बने रहियो भाई। किसान भाई ने पूछा के भाई, किसा के सुपर फीडर है यो और किसा ट्रैक्टर है, तो भाई एक बड़ी घुमा एजेंट जो ट्रैक्टर ने, उसके बाद पूछांगे सारी बात। तो भाई आग का वेट देखो आप किस प्रकार का लगा रखे ट्रैक्टर, ताकि उठे ना, या भी पूछा है भाई आगे कितना का वेट रख रखे आपने। तो भाई देखो आसानी से घूम जाता ट्रैक्टर, उठने की कोई प्रॉब्लम नहीं आगे से। एक मिनट रुकिए भाई साहब, नीचे आ जाओ भाई, उधर ट्रैक्टर की आवाज आ गई। नमस्कार भाई साहब। तो भाई साहब के नाम आपका? सुनील। गांव कौन सा है? लांबा खेड़ी। तो भाई साहब, जॉन डियर 5310 के बारे में जानकारी दो थोड़ा, आयु किस की परफॉर्मेंस है इसकी सुपर सीटर में? बहुत बढ़िया भाई साहब, इसमें भी गियर है, ट्रबो इंजन है। अच्छा भाई साहब, अच्छा डीजल है, जिस तरह तो थोड़ा इसकी जरूर लगा, लोड नहीं मानता है कितना प्राणी हो। अच्छा अच्छा, कोई लोड नहीं मानता ट्रैक्टर। तो भाई कितने मॉडल है ट्रैक्टर? 2019 है भाई साहब, 2019 मॉडल है। भाई साहब आगे कितना का वेट रख रखे आपने? करीब लगभग सूदा बम्फर, तेल लाला बम्फर, और ना टोटल वेट पूछा आगे। अच्छा अच्छा, 135-140 किलो। ई बाग कितना है? बीज खाद डाल लो टंकी में, मतलब हुल कर लियो, कोई उठने की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 1.5 क्विंटल वेट रख लियो आप ट्रैक्टर का, आगे आगे से ट्रैक्टर उठेगा नहीं। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कुकरे चालो। अच्छा भाई साहब एक बात और बताओ, यूं नहीं रखेंगे आप? अच्छा, फिर बैलेंस नहीं रखना। अच्छा अच्छा, मतलब आगे तेन ट्रैक्टर उठता चलना रोड पर भी दिक्कत रह घूमने की। तो भाई साहब गियर कौन सा लगा रहे थे आप? एक का पहला का ये। और यदि ये जो घास फूस देख रहे हो, यूं नहीं हो जाए सिस्टम, खाले फाने फाने, उसमें एक का पहला, दूसरा में एक का दूसरा, और यदि बैर क्या हो किसान भाई ने जो एरो गल्ला रखे के फिर भी दूसरा में चल रहा है। अच्छा अच्छा, और गियर बदलन की तो जरूरत ना, और गियर बस वही दूसरा लाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ईवीओ लाना है नहीं भाई साहब, इसमें कितना डीजल ले होगा ट्रैक्टर पहला ए में? 10 के पार रहा भाई। 10 के पार, मतलब हाईएस्ट कितना उसका है? बस हाईएस्ट 12 इसमें, तो पहला का ही में रेस कितनी रखो भाई साहब? रेस करीब रखो 1800 तक रहा पर। जो ये सुपर सीटर है इसका सरस्वती का, यो किसा के सुपर सीटर है भाई साहब? किला में बीज कितना का डालो भाई? 40 किलो एवरेज, तो 50 किलो कोई भाई मैंने एक आधा सुनी बोलिया 60 किलो बोलिया, 1.5 बीज डालना पड़ा इसमें, जितनी बिजाई कर लिया आपने? मेरा दाद फर्स्ट है। अच्छा अच्छा, पहला ही दिन है मतलब, चलो ठीक है भाई साहब, बढ़िया है, तो ठीक है भाई चलाओ एक बार भाई, RPM तो दौड़ता ट्रैक्टर, देख लो। चलो ठीक है भाई चलाओ एक बार। तो भाई तो मैंने दिखावांगे एक बारी चला के ना, ऊपर बैठ के RPM तो तोड़ता ट्रैक्टर, एक बारी रेस कर लियो भाई पूरी, जितने की ट्रैक करो आप, मैं 2000 भी कर जाऊंगा। क्या की करे करो आप? मैं तो 1800। अच्छा अच्छा अच्छा, टीम जितना ही करी आपने? 1800 तक ग्राम में चल रहा भाई ट्रैक्टर। तो भाई वीडियो कल छोड़ दिया है, पहला का ये मैं चलागा। तो भाई कोई RPM नहीं तोड़ रहा ट्रैक्टर है कि, तो भाई साहब थकान तो नहीं होती ट्रैक्टर में? अच्छा अच्छा, कार वर्गी रहनी यार ये। तो भाई साहब आप देख सको हो 1632 घंटे चल रहा है, 1632 घंटे ट्रैक्टर चल रहा है,
सको आरपीएम नहीं तोड़े आप प्लान देख सको अगर पूरा नू का नू है कंबाइन द्वारा कटे हुई है यार और पीछे सफाई देख लो ना भाई गेहूं की बिजाई अच्छे से हो रही है भाई ऊपर ये भाई साहब दोनों लीवर नीचे कर रखे हैं भाई ने भाई साहब मतलब 12-13 लीटर का ऊपर तेल नहीं लेता ही साहब मैं भी सरस्वती का तो अब की बार आप नया लिया ही हो ठीक है भाई ठीक है भाई साहब मोड़न वाड़न में पूरी आसानी होगी भाई ट्रैक्टर में अच्छा कई ट्रैक्टर दूर को मुड़ा है नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है बहुत